वेलकम दोस्तों, और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग आज एक नई पेशकश लेके आए हैं क्रश ब्लॉग्स के नाम से। हम लोगों ने सोचा कि कुछ ब्लॉग्स बनाते हैं लॉकडाउन में, थोड़ा आसपास जहाँ जा सकते हैं। तो हम लोग आपको ले जा रहे हैं हाथरस, प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर दाऊ जी महाराज हाथरस। तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं, मैं और हमारे कैमरामैन स्कूटी लेके निकल लिए हैं। ये देखिए, अगर आपको दाऊ जी महाराज के मंदिर आना है तो आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ज़िला हाथरस में आना होगा, और ज़िला हाथरस में आने के बाद आप सीधे किसी से भी पूछ के दाऊ जी महाराज मंदिर के लिए रास्ता सीधी रास्ता है, आप उस पर जा सकते हैं। जिस रोड पर अभी हम चल रहे हैं, ये रोड सीधी दाऊ जी महाराज के लिए जाती है। हाथरस शहर की वैसे तो बहुत सारी मान्यताएँ हैं, बहुत सारे किस्से हैं। इसे गुरुओं की बस्ती भी बोला जाता है। यहाँ पे हर कोई अपने आप में एक गुरु है। तो हम लोग जा रहे हैं यहीं पे, दिखाते हैं आपको कि दाऊ जी महाराज का जो मंदिर है वो कैसा है। देखिए, यहाँ पे ऐसे नमूने आज भी मिल जाते हैं। एक ही बाइक पे चलता फिरता शॉपिंग मॉल है ये। ये देखिए, यहाँ लोग बैठे हुए हैं। ये बगीची है जहाँ पर शाम के टाइम लोग पूजा पाठ करने आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और देखिए, हम मंदिर की ओर चल दिए। देखिए, बहुत सारी गायें यहाँ पे खड़ी हुई हैं। गैया मैया को कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, रास्ता ब्लॉक कर लेती है। पर भैया, ब्रज का द्वार है ये, और ब्रज के द्वार में तो गाय माता मिलेंगी ही, गौ रक्षा करनी पड़ेगी। भैया, ये है मेला पंडाल, यहाँ से शुरू होता है। ये मेला पंडाल है, मेला लगता है यहाँ पर ब्रज का, लक्खी मेला दाऊ जी महाराज का। और यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम होते हैं, जैसे संगीत सम्मेलन आदि। और ये देखिए, चलते जा रहे हैं हम लोग, अब हम चढ़ाई करेंगे। बहुत ऊंचाई पे बसा हुआ है मंदिर। और ये देखिए, हम लोग चल रहे हैं। इस समय दोनों तरफ यहाँ शिविर लगते हैं मेले के समय। और दाऊ जी महाराज का जो मंदिर है वो शहर के बीचों बीच स्थित है और बहुत ऊंचाई पे है। यहाँ से आप शहर का हर कोना बड़े आराम से देख सकते हैं। देखिए चारों तरफ कितनी ग्रीनरी, पहाड़, टीले, सब चीज़ आपको मिलेगी। और खाली समय पे, जिस समय मेला नहीं होता, वहाँ यहाँ पे पुलिस का भी काफ़ी निवास रहता है। देखिए, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो मंदिर का लुक कैसा लगता है, बहुत ही बेहतरीन। तो दाऊ जी महाराज के बारे में आपको बता दें कि दाऊ जी महाराज जो थे वो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, और बहुत ही जाने माने मल्ल युद्ध के प्रख्यात एक रेसलर थे, जिसे कि हम बोलते हैं आज पहलवान। और ये देखिए, मंदिर परिसर में हम चढ़ के जा रहे हैं। ये मंदिर की ओर चल दिए। ये सामने आप जो देख रहे हैं दाऊ जी महाराज का मंदिर है। अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ दाऊ जी महाराज की मूर्ति प्लस एक मूर्ति और स्थित है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, देखिए जैसे कि दर्शनार्थी यहाँ पे आए हुए हैं और देख रहे हैं। ये देखिए, मंदिर के अंदर कितनी सारी घंटियाँ लगी हुई हैं, पूरी दीवारों पर यहाँ कुछ ना कुछ अच्छे सुविचार लिखे हुए हैं। ये मंदिर है, सामने पुजारी जी पूजा कर रहे हैं। देखिए, चारों ओर सुविचार लिखे हुए हैं, दाऊ जी महाराज की आरती भी लिखी हुई है। एंड यहाँ पे देखिए, ये एक हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर में चारों तरफ हम लोग पूजा पाठ करते हैं हनुमान जी के मंदिर की। और हनुमान जी का मंदिर हर मंदिर के आसपास पाया जाता है। तो इस मंदिर की एक बहुत ही अच्छी कहानी भी है कि ये मंदिर पे अंग्रेज़ों के समय में एक गोला दागा गया था, जो कि तोप से दागा गया था। और इस मंदिर में वो गोला आज भी स्थित है, लेकिन वो गोला मंदिर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो बहुत ही जाना माना मंदिर है। मुरसान के राजा, जो लास्ट राजा रहे, राजा महेंद्र प्रताप, उनके द्वारा भी इसका बहुत दिन देख रेख की जाने लगी। लेकिन अब ये भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में आता है। और इसका देखिए आप चारों तरफ ये परिक्रमा मार्ग है जिस समय हम यहाँ चल रहे हैं। और ये मंदिर का साइड है जहाँ से आप वो देख सकते हैं, सामने टीला दिखाई दे रहा है आपको। ये टीले पहले बहुत सारे हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ सब लुप्त होते जा रहे हैं। मंदिर की ऊंचाई, लंबाई देखिए, मंदिर कितना भव्य मंदिर है दाऊ जी महाराज का। और ये चारों तरफ अगर आप देखते तो जंगल ही जंगल है। यहाँ से हम उतरेंगे नीचे की ओर। इस शंकर भगवान की एक बहुत बड़ी शिवलिंग हाथ जोड़े हुए बनाई हुई है, चित्रकारी का अनूठा संगम है। देखिए ये बुज़ुर्ग दर्शन करके घर की ओर वापस जाते हुए। और नीचे जाते जाते आप देखो, कई लोग यहाँ दूर से आते हैं। अगर मैं आपको यहाँ से उतर के
सामने का व्यू दिखाऊं तो आप लोगों को लगेगा कि वाह क्या जगह है, एक बार ज़रूर आना चाहिए। तो दाऊ जी महाराज मंदिर पांडाल यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे कई प्रसिद्ध खाने की चीज़ें मिलती हैं, जैसे छोले भटूरे, पाव भाजी, चुस्की और रबड़ी, सोन पपड़ी, मिठाइयों का तो भंडार है यहाँ पे, मीठे का बहुत फेमस है। ये देखिए चित्रकारी की गई है कृष्ण भगवान की। मंदिर का ये दूसरा द्वार है, इस मंदिर की दो एंट्रेंस हैं, पहली मैंने आपको दिखाई, अब हम आपको दिखाएंगे दूसरी एंट्रेंस। ये वही जगह है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग खड़े थे, यहीं से दूसरी एंट्रेंस जाती है और हम आपको दिखाते हैं दूसरी एंट्रेंस यहाँ लोगों को बैठने के लिए। ये दूसरी एंट्रेंस है नीचे की ओर, अगर हम यहाँ से उतरेंगे तो हम टीले तक सीधे जा सकते हैं। और इसी साइड अब जब मेला लगता है तो लेडीज़ बाज़ार लगता है, जिसमें कि लेडीज़ के रिलेटेड सामान, लिपस्टिक, बिंदी पाउडर मिलता है। तो इस मंदिर की मैं खासियत आप लोगों को बता रहा था, ये मंदिर बहुत ही पुराना, शायद 100 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। और यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी लोग और बल्कि हाथरस के रहने वाले सभी लोग आते जाते रहते हैं, दर्शन करते हैं, दाऊ जी महाराज की कस्टडी में अपने आप को सेफ समझते हैं। चारों तरफ देखिए ऐसा जंगल था, पहले बीरवान हुआ करता था, लेकिन अब समय के साथ साथ भारत सरकार ने इस जगह को बहुत ज़्यादा संरक्षित किया है, अच्छे से बनवाया है, इंटरलॉकिंग की रोडें बनवाई गई हैं, पुलिस कंट्रोल रूम बनवाया गया है। अब हम दूसरी एंट्रेंस से नीचे की ओर उतरेंगे और देखिए बहुत ही भव्य मंदिर है, अगर आप एक बार आएंगे तो सच में आपका दिल करेगा कि यार ऐसी जगह थी भारत में, हमें नहीं पता था। और दाऊ जी महाराज ने यहाँ बहुत साल शासन भी किया, उनके पुत्रों ने भी यहाँ शासन किया, क्योंकि इसको ब्रिज का द्वार माना जाता है और ये ब्रिज का लकी मेला भी माना जाता है। ये पुलिस कंट्रोल रूम है, ऊपर एक बहुत लंबी लाइट लगी हुई है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। और हम मंदिर के पीछे की ओर चलते हैं, लेकिन पीछे की ओर जाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि एक छोटा सा मंदिर और है यहाँ नीचे की तरफ। अब हम पीछे से जा रहे हैं, बहुत लोग कम जाते हैं। ये देखिए कितना विशाल पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है ये, जिसकी जड़ें बाहर अंदर काफ़ी गहराई तक हैं, और इस पेड़ की छांव में ही शायद बलदाव जी खेले होंगे। पीछे ये वाटर बॉक्स से रिलेटेड बना दिया गया है, यहाँ पे पानी की सप्लाई का संचार किया जाता है। और पूरा पीछे की तरफ जंगल है, पहाड़ है, नीचे आप शहर को देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप चढ़ने में परेशानी बहुत होती है, थक जाते हैं, मैं भी थक गया हूँ, तो नीचे उतर के जा रहा हूँ, आप देख ही सकते हो सांस फूल रही है इस समय। तो नीचे की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मंदिर परिसर में क्या है। ये मंदिर काफ़ी बड़ी जगह में फैला हुआ है और भारत सरकार द्वारा संरक्षित भी किया गया है। ये आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, जिस पे सारी सूचना हिंदी व इंग्लिश में है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं अपनी स्कूटी से नीचे की तरफ, हम लोग वापस जा रहे हैं। ये देखिए वापस जाते समय दृश्य कुछ ऐसा होता है, यहाँ से हमारे कैमरामैन आपको जूम करके दिखाएंगे कि चारों तरफ कितना बढ़िया दृश्य होता है, पूरा शहर यहाँ से दिखता है, ऐसा लगता है कि दाऊ बाबा सब पे नज़र बनाए हुए हैं, दाऊ जी महाराज की नज़र के अंदर हैं सब लोग। ये देखिए वाट पानी की टंकी, सब कुछ यहाँ से एकदम ऐसा लगता है छोटा बौना, सब भगवान के आगे छोटा लगता है। तो हम नीचे उतर के जाएंगे और यहाँ पे उतरते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है, तो अगर आप अपनी स्कूटी, कार या किसी से भी आएँ तो बंद करके भी चला सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रहे चाबी ऑन रखें, वरना इस हैंडल फंस जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, भाई लोग बाद में मत कहना बताया नहीं था। तो हम लोग नीचे आ रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। नीचे जाते हुए देखिए पूरा हम मंदिर परिसर से नीचे उतर आए हैं, ये पीछे से इस तरह का दिखता है मंदिर। देखिए और भी लोग जो दर्शन करने आए थे वो लोग उतर के जा रहे हैं। अब हम लोग चल दिए मेन आगे की तरफ, जो पीछे से आगे की तरफ का एंट्रेंस है, जैसा मैंने बताया दो एंट्रेंस हैं, ये उधर साइड की एंट्रेंस है जहाँ पे दंगल होता है। इस मेले की खासियत है यहाँ का दंगल, यहाँ पे विशाल दंगल पंडाल होता है जो कि 7 से 8 दिन तक चलता है, और डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ के पहलवान आए, ब्रज केसरी, हिंद केसरी, जगह जगह के पहलवान यहाँ आके अपने शौर्य का, अपने मल्ल का प्रदर्शन करते हैं। ये चारों तरफ आप देख सकते हैं, और यहाँ पे कचहरी भी बना दी गई है, तो कई सारे लोग, वकील लोग भी आके यहाँ बैठते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस भी यहीं पे है। काफ़ी समय तक हाथरस शहर की जेल भी यहीं पे थी, अभी यहाँ पानी भरा हुआ है क्योंकि कार्य चल रहा है, आप देख सकते हैं।
और हम लोग हम यहाँ से वापस चलते हैं आगे की तरफ फिर से। ये देखिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे पेड़ पौधे लगा के सज्जोित व्यवस्था की गई है, और जगह जगह पर नोट्स कोट्स लिखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ ऑफिस रहता है, और सामने आप देखेंगे तो 3 मंदिर जो कि गांधी जी के हैं, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, आपको दिखाई देंगे। और यहीं हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें बताएं कि अगले व्लॉग में हम आपके लिए क्या लेके आएं, क्योंकि क्रश व्लॉग्स का ये पहला व्लॉग है, तो आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। धन्यवाद।